कुछ लोगों के लिए स्वच्छता से बढ़कर चंद रुपए हो जाते हैं। ऐसे लोग कभी भी समाज के लिए सही उदाहरण नहीं बन पाते हैं। कुछ ऐसी ही हरकतें कर रहे हैं सनियारडी गांव के कुछ लोग। यह गांव शहर के बिल्कुल साथ सटा हुआ है। शहर के साथ सटा होने के कारण नगर परिषद मंडी ने यहां पर भी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन स्कीम चला रखी है। गांव के अधिकतर परिवार इस स्कीम के तहत हर महीने 100 रुपए अदा करते हैं। इन परिवारों के घर से नगर परिषद के कर्मचारी खुद कूड़ा उठाकर ले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो 100 रुपए बचाने के चक्कर में अपने घर से निकलने वाला कूड़ा सड़क किनारे खुले में फेंक रहे हैं। हैरानी की बात यह भी है कि यहाँ एक देवस्थल भी है, लोग उसकी भी परवाह किए बिना यहाँ खुले में कूड़ा फेंकने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। स्थानीय निवासी डॉक्टर जीवानंद चौहान ने बताया कि कुछ लोगों के कारण गांव में गंदगी का आलम फैलता जा रहा है, जिस कारण बीमारियां फैलने का अंदेशा भी बना हुआ है। सियाडी में ये बहुत टाइम से ऐसा है कि यहाँ जो लोग रहते हैं, हमने पहले भी कई बार उनसे रिक्वेस्ट किया कि यहाँ गंदगी यहाँ नहीं फेंकी जाए। यहाँ एक कमेटी की तरफ से एक गाड़ी लगाई गई है जो हर तीसरे चौथे दिन आके सारा कूड़ा करकट ले जाती है। वो 100 रुपया महीना लेते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको इतने बार बोलने के बावजूद भी ये सारे लोग यहाँ गंदगी यहीं फेंकते हैं। इसकी बात मैंने डीसी साहब से भी की है, एडीसी साहब से भी की है, और नगर परिषद की चेयरमैन सुमन जी हैं उनसे भी मैंने बात की कई बार कि इन लोगों को किसी तरह से रोका जाए, कोई तरीका अपनाया जाए, या तो यहाँ कोई कूड़ादान रखा जाए। यहाँ बहुत गंदगी है और गर्मियों का मौसम है और इतनी गंदगी होने से बीमारी फैलने का बहुत डर रहता है। तो मेरी आपके माध्यम से डिप्टी कमिश्नर से और नगर परिषद के चेयरमैन से रिक्वेस्ट है कि यहाँ इस गंदगी को उठाने का या इसको कोई तरीका ढूंढा जाए ताकि लोगों को गंदगी से और बीमारियों से बचाया जा सके। इन्होंने नगर परिषद व प्रशासन से इस ओर विशेष ध्यान देने की गुहार लगाई है। वहीं जब इस बारे में नगर परिषद मंडी की अध्यक्षा सुमन ठाकुर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो लोग खुले में कूड़ा फेंक रहे हैं उनके खिलाफ जल्द ही कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिस स्थान पर कूड़ा फेंका गया है वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। जो भी कैमरे में कूड़ा फेंकता हुआ नजर आएगा उसे 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने सनियारडी गाँव के लोगों से स्वच्छता के क्षेत्र में नगर परिषद को सहयोग करने की अपील भी की। उसमें हमने जो सनियाड पंचायत के प्रधान हैं उनसे भी बात की थी, वहाँ के जो बसिंदे हैं उनसे प्रधान को कहा गया था कि 50-50 रुपए जो है पर घर से नगर परिषद जो है वो लेगी। शायद प्रधान ने भी कोशिश की है लेकिन फिर भी लोगों को कोई असर नहीं हुआ। लेकिन नगर परिषद ने जहाँ पर लोग कूड़ा कचरा फेंकते हैं वहाँ पर हर तीसरे दिन जो है नगर परिषद गाड़ी भेज रही है, उस कूड़े कचरे को उठा रही है। उसके बावजूद जो है अब लोग नहीं मान रहे हैं तो नगर परिषद की ओर से वहाँ पर जो है एक कैमरे का प्रावधान कर दिया गया है ताकि लोग जो है अगर कूड़ा कचरा हमें डोर टू डोर गार्बेज नहीं देंगे तो जो वहाँ पर उस जगह फेंकेंगे तो उनको जो है जुर्माना नगर परिषद जरूर लगाएगी। प्राइड इंस्टीट्यूट हमीरपुर, यहाँ से आप TGT, TET, सैनिक स्कूल, नवोदय, RIMS, बैंक PO, पुलिस कांस्टेबल और सभी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यू स्किल और स्टेज परफॉर्मेंस के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। प्राइड इंस्टीट्यूट में मात्र 75 घंटों में इंग्लिश सिखाई जाती है। सभी क्लासेस के लिए ट्यूशन का भी है प्रावधान। तो आज ही पधारें प्राइड इंस्टीट्यूट देवपाल चौक ऑपोजिट यूको बैंक हमीरपुर। पोल स्टार हिमाचल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही प्रदेश से जुड़ी ताजा जानकारी और रोचक कार्यक्रमों के लिए घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।